हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो मेरे भाई लोग, पूर्वली राइटर विंस रूसो ने रोमन रिंग्स के फैक्शन लाइन को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो आखिरकार हमारे पूर्वली राइटर विंस रूसो ने रोमन रिंग्स के फैक्शन लाइन को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में कभी डालू तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई में बloodline का पिछले कुछ सालों में लगातार डोमिनेशन देखने को मिला है। इस फैक्शन की स्टोरी लाइन काफी जबरदस्त रही और कई लोग इसे इतिहास की सबसे अच्छी स्टोरी लाइन में गिनते हैं। इसी बीच पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर विंस रूसो ने बताया कि उन्हें कभी रोमन रिंग्स का बloodline फैक्शन पसंद नहीं आया। स्पोर्ट्स कीड़ा के राइटिंग विथ रूसो पॉडकास्ट पर विंस रूसो ने बloodline को लेकर बात की। विंस रूसो ने बताया कि उन्हें कभी बloodline फैक्शन का काम पसंद नहीं आया। उन्होंने यहाँ कुछ चीजें के उदाहरण भी दिए। रूसो ने यह भी बताया कि फैंस को एक समय लगा था कि फैक्शन का अंत हो जाएगा, लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बloodline की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, यह मेरा मानना है बloodline फैक्शन कभी भी मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया है। इसके कई बड़े कारण है। द यूसोस काफी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, लेकिन कंपनी ने बloodline के आने के बाद बताने का प्रयास किया कि यह द यूसोस है और यह रोमन रिंग्स के भाई हैं। वो यहाँ पहले से हैं और इसमें कोई नई चीज नहीं थी। मुझे सैमी जेन का किरदार इसमें एक मजाक की तरह लगा था। मुझे लगता है कि फैक्शन का कद इतना ज्यादा गिर गया था कि सभी को लगने लगा था कि बloodline फैक्शन का अंत हो गया है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। फ्रेंड्स, सारे लोग हमारे बloodline का आलोचना करते हैं, कहते हैं एक अच्छा फैक्शन है, लेकिन हमारे विंस रूसो ने इसका साफ उल्टा किया है। उन्होंने हमारे बloodline का बहुत ज्यादा बेइज्जती किया है, बोला है कि उन्हें कभी भी बloodline का काम पसंद नहीं आया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे विंस रूसो इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं कि द यूसोज मतलब बहुत दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, लेकिन द बloodline फैक्शन जब बना तो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये दिखाने की कोशिश की कि बloodline में यूसोज हमारे रोमन रिंग्स के भाई हैं। और फ्रेंड्स, यही डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यहाँ पे दिखाना चाह रही है, जो कि हमारे विंस रूसो फ्रेंड्स अभी बता रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे NWA हॉल ऑफ फेमर बिल एप्टर ने स्पोर्ट्स कीड़ा के अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट पर रोमन रिंग्स को लेकर बात की थी। उन्होंने बloodline के स्टोरी लाइन पर अपनी राय दी थी। और इसी बीच दिग्गज ने बताया कि रोमन रिंग्स के डोमिनेशन का अंत जरूर होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अंत दिख रहा है जहां कोई रोमन रिंग्स को हराएगा। इन सभी चीजों के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस चीज को करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, इधर हमारे बिल एप्टर ने रोमन रिंग्स की तारीफ की है, बloodline की भी कुछ तारीफ की है, और हमारे विंस रूसो ने फ्रेंड्स बेइज्जती कर डाली है बloodline की, क्योंकि शायद हमारे विंस रूसो को बloodline पसंद नहीं है। हालांकि बिल एप्टर को शायद बloodline अच्छा लगता होगा। हमारे विंस रूसो को बloodline का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि फैंस को एक बीच लगा था कि बloodline का अंत हो चुका है, लेकिन बloodline का अंत अभी भी नहीं हुआ है और अभी भी हमारे बloodline डोमिनेट कर रही है। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप हमारे विंस रूसो के बात से सहमति रखते हो या फिर नहीं। साथ ही साथ आप लोग ये बात भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको बloodline कैसा लगता है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।